दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक का केवाईसी करने के लिए यानी फुल केवाईसी करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना होगा। डन, यहाँ पे आपको माय एयरटेल यानी कि एयरटेल थैंक्स ऐप आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा। डन, यहाँ पे सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन पर अफ्रीकन है तो इसे आप अपडेट यहाँ पे आपको नहीं करना है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है एयरटेल थैंक्स पे। डन, यहाँ पर पहले से ही अपडेट है तो सिंपली इसे आप ओपन कर लीजिए। डन ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस इस ऐप का खुल के आ जाता है। नीचे से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो नीचे यहाँ एक बैंक का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। डन क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को यहाँ पर मिल जाता है। सिंपली यहाँ पर आप वॉलेट पर क्लिक कर दीजिए। डन आपको यहाँ अपग्रेड केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा और नीचे आपको अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो ये मैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। डन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड मनी पर क्लिक कर देना है। डन यहाँ पर आप एक कुछ भी टाइप कर सके और ओके कर दीजिए। डन आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा अपडेट नाउ का, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। डन उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा आप वेट कर लीजिए, यह नेटवर्क की वजह से होता है। अगर आपका नेटवर्क फास्ट है तो आप यहाँ पे जल्दी ही ऑप्शन आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नंबर देकर आई एग्री पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी टाइप करके यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। डन इस तरह से आप अपना एयरटेल पेमेंट्स बैंक का फुल केवाईसी कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।